गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भूले जाच्छि पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर हच्छे बद्रीनाथ थेके 1 आवर नीचे, 1 आवर मतो किलोमीटर टा एक्जैक्टली आमार जाना नहीं। तो एखान थेके व्यूज एरकम आर एरकम नदी आवाज पाওয়া যাচ্ছে। একটু নোংরা ঠিক আছে। এইটা আমাদের রুম, কিন্তু বেশ ভালোই ছিল। রুমের বাইরে এরকম উঁচি উঁচি পাহাড়, ও দারুণ। তো আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি, সবাই ব্রেকফাস্ট করছে, আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। তো আমি একটু ভিডিওটা বানিয়ে নিচ্ছি সুযোগে। তো আমরা এখন যাব হচ্ছে সোনপ্রাগ। কালকে সোনপ্রাগ থেকে কেদারনাথে উদ্দেশ্যে যাত্রা করব, রওনা দেব। তো আপাতত আমরা এখন সোনপ্রাগের জন্য বেরোচ্ছি। তো যেতে যেতে কয়েকটা জায়গা দেখাবো, এবং পাণ্ডুকেশ্বরে একটা মন্দির আছে, খুব ফেমাস মন্দির, সেটা আমরা একটু মানে একদম আমাদের হোটেলের পাশে, ওটা ঘুরেই আমরা বাড়িতে উঠব। চলো রাস্তা যেতে যেতে দেখা হবে। আবার এটা উকি মঠের কাছে আমরা চলে এসেছি। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি, এখান থেকে ভিউটা চলে এটা এখান থেকে केदारनाथ का जो ट्रैक है, यहाँ पे लिखा रहता है कि 14 किलोमीटर है, लेकिन ये टोटल 25 किलोमीटर है। ठीक है, जो पुराना रास्ता था वो था आपका 16 किलोमीटर का, लेकिन जब अब नया रूट बना है तो वो आपका 25 किलोमीटर का हो गया, क्योंकि हमने फिटबिट से खुद नापा है ऊपर नीचे। तो 25 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है यहाँ पे का। तो कहीं पे सीधा है, कहीं पे चढ़ाई है, मोस्टली चढ़ाई है, क्योंकि आपको 3500 मीटर्स का एल्टीट्यूड गेन है। ठीक है, तो कल से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो अभी आपका 10 मिनट बाद आपका डिनर लग जाएगा। ठीक है, डिनर के बाद जो आपका कल का वेकअप टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 2 बजे का। ठीक है, 2 बजे आप लोग उठ जाएंगे। 2 बजे इसलिए उठाया जाता है, इसलिए जल्दी यहाँ से चलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं आप, वो जो रूट जा रहा है ना, वहाँ से 5 किलोमीटर लोकल गाड़ी जाती है, 5 किलोमीटर के लिए लोकल गाड़ी जाती है। तो यहाँ से इसलिए जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे यात्री हैं। ये मतलब एक ट्रैक नहीं है, ये यहाँ पे एक यात्रा भी है। ठीक है, तो इस यात्रा में क्या होता है कि कई लोग चलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग चलते हैं, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे रास्ते में। ठीक है, कोई अलग रहता है, कोई कहीं से रहता है, कोई कहीं से रहता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इस ट्रैक। ठीक है, तो वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है गाड़ी के लिए, कल लाइन लगती है। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग होती है तो उस हिसाब से लाइन लगती है। तो जब लाइन लगती है तो वहाँ से लेके लाइन चले जाती है, वो जो मोड़ दिख रही है 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की लाइन रहती है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर रहेगा, जितना लेट करेंगे तो उतना लेट आप लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो सुबह 2-2.5 बजे आपका ब्रेकफास्ट लग जाएगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट बहुत लाइट दिया जाता है, चाय वगैरह और रस के साथ दिया जाता है, ताकि ये हो कि मतलब ज़्यादा, क्योंकि हैवी खाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे से आपका वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, 5 किलोमीटर के लिए गाड़ी जाएगी, तो गाइड आपके साथ रहेगा। तो यहाँ से हमारा पैदल रास्ता है नीचे का, जो कि सीधा आपका ब्रिज के बगल में जहाँ पे गाड़ी लगती है वहाँ पे, नहीं तो इधर से जाएंगे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तो सीधा आपका ब्रिज पे निकल जाएगा। ठीक है, ब्रिज के पास निकलेगा तो वहाँ पे आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, तो आपके साथ गाइड जाएगा, एक हमारा गाइड जाएगा। उसके बाद वहाँ से गाड़ी में आप लोग बैठेंगे, वहाँ से 5 किलोमीटर। ठीक है, तो वहाँ पे गाड़ी आपको छोड़ेगी, गाइड साथ ही रहेगा। उसके बाद गौरीकुंड में जो नहाना चाहता है वो वहाँ पे नहा सकता है। ठीक है, वैसे बहुत रश रहता है, तो जो नहाना चाहता है वो वहाँ पे नहा सकता है, बाकी जिसको ऐसे करके छिट्टे मार रहे हैं वो छिट्टे मार सकता है, जिसकी जैसी इच्छा है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि भैया नहा लो ये सब करके, ठीक है, वो आपके आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद
फिर वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो ट्रैक में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। पहला रूल जो आपका होता है वो होता है आई एम दी वन। आई एम दी वन मतलब होता है सबसे पहले मैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं हूँ, मेरे पास जैकेट है, ऊपर ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, जो आपके ले जाने की चीज़ें होंगी ऊपर, ठीक है। आपको एक जैकेट लेकर जाना है, एक फ्लीज लेकर जाना है, और रेनकोट सबके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो नीचे से ले सकते हैं। जब आप चल रहे होंगे ना तो आपकी बॉडी वार्म होगी, तो वार्म होगी तो आप बार बार फिर जैकेट उतारेंगे, फिर पहनेंगे, तो एक फ्लीज रहेगा तो आपकी कंफर्टेबल लेयर रहेगी। जब आप टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ठंड ज्यादा लगती है, तो वहाँ पे आप जैकेट पहन के रखेंगे, आपके कान कवर होने चाहिए, ठीक है। ग्लव्स की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कान आपके ऑलमोस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद कभी कभी बारिश हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके पास रेनकोट होना चाहिए, और रेनकोट आपके बैकपैक में सबसे ऊपर होना चाहिए। पता चला कि बारिश हो गई, फिर सामान निकाल रहे हैं बाहर, कैमरा फोन वगैरह, और तब तक वो भीग गया, फिर रेनकोट बाहर निकलता है। रेनकोट आपने सबसे पहले ऊपर रखना है बैकपैक में, ठीक है। तो पहला रूल आई एम दी वन मतलब होता है सबसे पहले मैं। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, पर मैंने जैकेट पहन रखी, आप लोगों को जैकेट के लिए बताया गया और आप जैकेट लेके नहीं गए, फिर कहा कि गाइड साहब अपनी जैकेट दे दो, आपको तो आदत है यहाँ डेली की ठंड झेलने की, तो भैया मैं तो नहीं, मैं ना चॉकलेट दूंगा ना टॉफी दूंगा, बिकॉज आई एम दी वन। अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा? तो इसलिए सबके पास अपना प्रॉपर जो भी गियर्स मैंने बताया वो होना चाहिए। देन अगला रूल आता है आपका एलएनटी। एलएनटी का मतलब पता है किसी को? लार्सन एंड टूब्रो, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एलएनटी मतलब हो गया आपका लीव नो ट्रेस, ठीक है। लीव नो ट्रेस का मतलब होता है कि कोई भी ट्रैश वगैरह आपको रास्ते पे नहीं छोड़ना है, मतलब कोई भी निशान। निशान से मतलब है कि आपने रैपर खाया चॉकलेट का और नीचे फेंक दिया, और फिर उसके बाद जो है कचरा हो गया वहाँ पे, फिर हर कोई पोस्ट डाल रहा है कि भैया इतना कचरा है केदारनाथ में, हमने तो किया नहीं भैया, वो आप लोग ही आए थे या फिर लोग उन्होंने कचरा किया, ठीक है। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। भैया रास्ते में कोई डस्टबिन वगैरह सर आपको कुछ पॉइंट्स में मिलते हैं, वैसे लगे रहते हैं, लेकिन पैकेज साइड है आप भी ना, अपने बैग में डाल के भारी लग रहा है, तो वहाँ पे डस्टबिन मिलना, वहाँ वॉशरूम का रूल मतलब यहाँ पे वो ट्रैक पे अप्लाई होता है। यहाँ पे तो आपके जो वॉशरूम है सारे गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, तो वो रास्ते में किसी को वॉशरूम यूज करना होगा तो वो अपना कर सकते हैं जहाँ पे, मतलब ये है। लेकिन एक टीम की तरह चलना है ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि एक आदमी हो गया तो भैया मिलता नहीं, वो सीधा ऊपर ही मिलता है फिर वहाँ पे केदारनाथ मंदिर, तो इसलिए अपने आगे पीछे साथ वाले को देख लें, ठीक है। गाइड ये नहीं रहेगा कि अब गाइड ये रहता है कि किसी ने बोला अरे भैया मेरा वेट करो, तब तक आगे के चार लोग आगे निकल गए, ठीक है। जिसको भी गाइड का नंबर सबने ले लेना है, ठीक है। किसी को भी लगता है कि मैं पीछे हूँ या आगे हूँ तो तुरंत गाइड को फोन कर देना, गाइड आपको लोकेशन भेज देगा कि यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिग्नल नहीं रहता है आपका रामबाड़ा से लेके, क्योंकि कुछ पॉइंट आता है, पहला गौरीकुंड हो गया, दूसरा आपका जंगल चट्टी हो गया, तीसरा आपका भीमबली हो गया, फिर रामबाड़ा आता है, फिर छोटी लिंचौली आता है, फिर बड़ी लिंचौली आएगा, फिर छानी कैंप आएगा, फिर आएगा आपका लास्ट बेस कैंप, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर आपका केदारनाथ मंदिर बसता है। तो ठीक है, ये पॉइंट्स आपको गाइड बता देंगे कि ये पॉइंट आता है, मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा, ठीक है। बाकी अपने साथ वाले को भी देखते रहना, फोन वगैरह मतलब अपना ऑन रखना, ताकि हम कॉन्टेक्ट आपको कर सकें। बाकी अगर कोई इधर उधर आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए एक ही वो रहेगा कि उसको हेलीपैड पे पहुंचना है, ठीक है। केदारनाथ में एक ही हेलीपैड है, हेलीपैड के जस्ट बगल में हमारा कैंप साइट है, तो हेलीपैड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना बंदा कोई ना कोई दिखी जाएगा, ठीक है। तो हेलीपैड आपका मेन रहेगा, हेलीपैड के जस्ट बगल में 1 किलोमीटर केदारनाथ का पत्थर से लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहीं पे आपको खड़ा रहना है, वही हमारा मार्क पॉइंट रहता है कि वहीं पे आप लोगों को जो इधर उधर चले गए तो वहाँ पे आके खड़े हो जाना, हमारा बंदा आपको आके वहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर जब आपका यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, 5 किलोमीटर की लाइन रहेगी, और सॉरी मतलब लाइन रहेगी 5 किलोमीटर के लिए आपको गाड़ी में जाना है, गौरीकुंड में आप उतरेंगे, वहाँ से ट्रैक करते हुए जाएंगे, ठीक है। बाकी रास्ते में ढाबे वगैरह हैं, जिसको मतलब मैगी खानी है, ये खाना है, वो खाना खा सकता है। वैसे मतलब मेरा सजेशन यही है, जो जो चीज़ें हैं यहीं से ले लो, ऊपर आपको सारी डबल रेट, ठीक है। बिस्लेरी आपको 80 रुपीज़ की मिलेगी, ठीक है, और जो बिस्किट है वो आपको 15 या 20 रुपीज़ का मिलेगा, 5 रुपये वाला, ठीक है। मैगी आपको 100 की मिल सकती है, तो इसलिए मतलब जो वैसी चीज़ें हैं ना, जैसे रास्ते में चॉकलेट्स वगैरह है, वो सारी आपको डबल रेट पर मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब अगर अपने साथ आए होंगे तो और भी बेटर है, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर पहुंच के वहाँ पे आप पहुँचेंगे, वहाँ पे जाने के बाद एक टाइमिंग होता है आपका 7:30 से 8 बजे का, जिसमें दर्शन आपके इजीली हो जाते हैं, लाइन नहीं रहती, क्योंकि सब लोग थक के आते हैं तो सो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचेंगे तो अगर आरती होगी ना, आरती के बाद, ठीक है, और अगर जिसको सुबह दर्शन करने तो उसको रात को 1 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 बजे नहीं उठेंगे तो आपका नंबर आएगा सीधा दिन में 12 बजे,
ठीक है, अपना 1 बजे उठ जाओ, 4 से 5 बजे तक आपके दर्शन होने के बाद हाल के दिन तो भैरव मंदिर जो जाना चाहता है भैरव मंदिर जाएगा वहाँ से, और सीधा अगर मान लीजिए आप लोग वहाँ से 9-10 बजे भी निकलते हैं तो आप 4-5 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, अगर 10 से थोड़ा सा भी ऊपर टाइम होता है तो आप 11 बजे से पहले यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है, तो इस हिसाब का टाइम लेके आप लोग चलेंगे, ठीक है, तो वहीं पे आपका स्टे होगा, स्टे में आप कैसा होगा 13 लोग हैं तो आप लोगों का एक टेंट रहेगा पूरा ही, ठीक है, पूरा बड़ा टेंट रहता है, वही टेंट आप लोगों को मिलेगा, उसमें आपके अलावा कोई नहीं रहेगा, आप सारे के सारे एक ही टेंट में रहेंगे, ठीक है। वॉशरूम उससे 200 मीटर पे है, सॉरी 50 मीटर पे इधर है और 50 मीटर पे इधर है, तो कहीं भी आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे वॉशरूम लगाना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के अलावा, तो गवर्नमेंट के वहाँ पे वॉशरूम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद दर्शन वगैरह जिसको करना है, फोटो क्लिक वगैरह जो भी करना है सब कुछ करना है, तो उसके बाद कोई भी अगर इधर उधर होता है, मतलब कोई मिल नहीं रहा है, कोई आगे पीछे हो जाता है बहुत भीड़ में, तो गाइड को तुरंत कॉल की भैया मैं यहाँ पे हूँ, बाकी लोग हैं, या आपस में कोऑर्डिनेट कर लेना फोन करके कि भैया यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जो भी जिसको भैरव मंदिर जाना होगा वो जाएगा, वहाँ पे मतलब हमारा गाइड है ना, हमारा गाइड का काम रहता है कि सिर्फ आपको मंदिर तक पहुँचाना, क्योंकि अब गाइड पीछे नहीं घूमेगा कि आप उधर जा रहे हैं तो उधर आएगा, उधर जा रहे हैं, आप घूमो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फोटो फोटो खींचो, हमें जितना भी टाइम आपको लेना आप ले सकते हैं, गाइड कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन गाइड जब मूव करने के लिए बोलेगा तो सबको वहीं पे आना है कैंप साइड, ठीक है, आप भैरव मंदिर जाओ चाहे इधर घूमो उधर घूमो, गाइड रास्ता बता देगा भैरव मंदिर, क्योंकि कम से कम आपके 40 से 45 हज़ार लोग चल रहे हैं एक ही दिन, ठीक है, तो आपको दिख ही जाएगा भैरव मंदिर किधर है किधर क्या है, फिर वहाँ से आप नीचे आएंगे तो जल्दी आने की सोचो, जितना जल्दी आएंगे आपको गाड़ी की लाइन में उधर नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है, गाड़ी की लाइन में लगोगे तो 1-1.5 घंटा वहाँ लगना पड़ता है गाड़ी की लाइन, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए बहुत गाड़ियाँ, आने के लिए बहुत लेट लेट आती है, तो इसलिए जितना जल्दी निकलोगे उतना बेटर है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद आपका वही रात का डिनर वगैरह होगा, फिर अपना जो है बैग पैक वगैरह करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा लगेज है अपने टेंट में वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, जो आपका टेंट है ना पूरा पैक करके सामान वही छोड़ देना, बैग हम सीधा तुम्हारे टेंट में शिफ्ट कर देंगे आपका, ठीक है, पूरा पैक करके छोड़ देना, उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचेंगे डिनर वगैरह होगा अपना बैग वगैरह लेके मॉर्निंग में आपकी गाड़ी यहाँ पे लग जाएगी वापस ऋषिकेश, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो तैयार रहना 2 बजे यहाँ पे टाइम आने के, जो टाइम लगभग 10 बजे के अंदर आना पड़ेगा, तो हम लोग क्या जल्दी अगर स्टार्ट करें तो भी चलेगा सर, यहाँ पे ऐसा होता ना ये मतलब जैसे अगर जैसे ये ट्रैक होता है तो ट्रैक में जिसमें मिट्टी होती है ना उसमें पाँव में दर्द नहीं होता, यहाँ पे क्या है कि आपका पत्थर सीमेंट का रास्ता है, तो जब आप डाउन कर रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी वेट पाँव के आगे टोंग में जाता है, तो ये चीज़ होती है ना लीगामेंट ये आउट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इनमें दर्द हो जाता है, तो डंडे वगैरह जो होता है ना डंडे वगैरह वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि वो आपको नीचे भी मिल जाएंगे गौरीकुंड में, ठीक है, वो लेना इसलिए ज़रूरी है ना आपका बॉडी वेट संभाल लेगा, सारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर ऐसे चलते हैं तो आपके लिगामेंट आउट होने शुरू हो जाएंगे और ये पेन होना शुरू, ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि चढ़ने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उतरने में ज्यादा प्रॉब्लम, और उतरने का जो आपका तरीका ऐसे करके कोई स्टेप नहीं मारेगा, ठीक है, इतना जोर ऐसे पाँव में दोगे तो उतना जोर पड़ेगा, हमेशा जब भी आप पाँव रख रहे हैं तो टेढ़ा पाँव रख रहे उसको एरिया ज्यादा मिलेगा, तो आपके पाँव में दर्द नहीं, ठीक है, तो हमेशा उतरते टाइम यूँ करके उतरा ऐसे टेढ़े में, ठीक है, तो कम पेन होगा पाँव में, अगर सीधा खड़े में उतरेंगे तो पूरा बॉडी का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, और किसी बोले चाहिए हेलो बोले चाहिए ना जाए बाबा के दारे जाए, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो क्लियर कर दो अभी 10 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ पे डिनर, चलो चलो शाबाश शाबाश, ठीक है, हम लोग शाम को देखेंगे शायद आज थकते जाए मंदिर सामने भोर हवाटा देखते जाए बस बस टाइमलेस ने वो सिटलिंग सिटलिंग हां सुबह आपको लाइन लगानी पड़ेगी, लाइन फिर ना।